अब बात करते हैं उस डिजिटल कंटेंट की जिसके नाम में कोरोना को हराने का उपाय है, हम भी अकेले तुम भी अकेले, जी हाँ, और कोरोना आगे फैल ही नहीं पाएगा। बट चलिए, ये जो पुअर जोक था इसे रहने देते हैं। अब बात करते हैं इस वेब सीरीज की जो डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हुई, आखिरकार कैसी है और वाकई में शुड यू बी वॉचिंग दिस, आइए देखिए इसके रिव्यू में। हम भी अकेले तुम भी अकेले, नहीं नहीं, मैं अपने दिल की बात नहीं कह रहा, बल्कि आज SBS Originals में रिव्यू करेंगे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आई फिल्म हम भी अकेले तुम भी अकेले का, और आपको बताएंगे कि क्या इस फिल्म पर आपके लगभग 2.5 घंटे स्पेंड करना लायक है या फिर नहीं। हम भी अकेले तुम भी अकेले दरअसल 2019 में थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों से ऐसा नहीं हो सका। उसके बाद कोरोना ने जब थिएटर्स के दरवाजे बंद कर दिए तो इसे सहारा मिला डिज्नी प्लस हॉटस्टार का। इस कहानी में आपको जरीन खान और अंशुमन झा देखने को मिलेंगे। यकीन मानिए, जब हमने इसका प्रोमो देखा तो बहुत अच्छा और सूदिंग लगा, लेकिन जब ये फिल्म हमने देखनी शुरू की तो 20 मिनट से ज्यादा इसे नहीं झेल पाए। उसकी वजह है इस मूवी का स्लो स्लो, बहुत स्लो चलना। जब आप थिएटर में जाते हैं तब आप अपने पैसे दे चुके होते हैं और आप किसी भी बुरी फिल्म को 2.5 घंटे थिएटर में बैठ के देखना चाहेंगे। भले ही फिल्म बुरी हो, लेकिन कम से कम AC का तो मजा उठा सकते हैं। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं होता। अगर 2 मिनट में किसी कंटेंट ने आपका अटेंशन नहीं लिया तो दर्शकों का मन हट जाएगा, और यही इस फिल्म के साथ हो सकता है। इस कंटेंट को बड़े प्यार से जरूर बनाया गया है, लेकिन इसकी शुरुआत इतनी स्लो है कि जब तक ये मुद्दे की बात पर आती है तब तक आप अपनी सीट से उठ चुके होंगे, क्योंकि तब तक आपका शायद इंटरेस्ट खत्म हो चुका होगा। अंशुमन झा, वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। दूसरी बात, बैकग्राउंड म्यूजिक की कमी। ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर अच्छा था कि डायरेक्टर हरीश व्यास ने बैकग्राउंड म्यूजिक का कम ही इस्तेमाल किया, लेकिन उस चक्कर में इमोशनल सीन्स का सारा इमोशन चला गया। और उसके बाद आती है जरीन खान और अंशुमन झा की एक्टिंग की बात। जरीन तो ठीक ठाक है, लेकिन अंशुमन कुछ कुछ जगह पर ओवर एक्टिंग कर बैठे हैं। हरीश व्यास, जिन्होंने पंकज त्रिपाठी के साथ अंग्रेजी में कहते हैं बनाई थी, इस बार उनकी कोशिश अच्छी थी, लेकिन अफसोस यहां वो कमाल नहीं दिखा पाए जिसकी उम्मीद थी। और फिर वही हुआ, ऊंची दुकान फीके पकवान। फिर भी अगर आपके पास ढेर सारा खाली वक्त है और ढेर सारा डेटा है तो आप चाहें तो इसे एक बार जरूर देख सकते हैं। लेकिन SBS Originals की तरफ से डिज्नी प्लस हॉटस्टार की फिल्म हम भी अकेले तुम भी अकेले को 5 में से 1.5 स्टार्स। राज दीक्षित, ABP न्यूज, मुंबई। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, ये जो अगली कहानी है और ये जो अगला दृश्य है, इसको हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। मतलब ये जो एक्ट हो रहा है इस दृश्य में, यानी कि हम बात कर रहे हैं सीरियल अनुपमा में काव्या की, जो अपनी जान लेने की कोशिश कर रही है। यकीन मानिए, किसी भी सिचुएशन के सामने हाथ खड़े कर देना इज नॉट एन ऑप्शन। उसका मुकाबला कीजिए, उसका सामना कीजिए, एंड यकीन मानिए, देर से ही सही लेकिन जीत आपकी ही होगी। बहरहाल, हैविंग सेड दैट, ये तो बस सीन है, टेलीविजन पर दिखाया जा रहा है, लेकिन जो टेलीविजन नहीं देख रहा वो अब हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि वो इज वेयर द एक्चुअल फन लाइज। लग गया है सदमा, उसे लग रहा है कि अब वनराज उसके पास लौट कर दोबारा नहीं आएगा, इसीलिए उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। नींद
की गोलियां खाकर वो चैन से सोना चाहती थी, लेकिन भाई जब पूरी मंडली आ गई तब देखिए इस सीन को लेकर ये कैसे हंस पड़े। फिर चाहे काव्या को गोद में उठाना हो या फिर रिएक्शन देना हो कि हाय तौबा काव्या ने ये क्या कर लिया। अब इतने गंभीर सीन के बीच कुछ न कुछ तो फनी होना चाहिए ना, तभी तो मूड बनेगा सीन करने का। सो देखिए पर्दे के पीछे इस सीन को इसी तरीके से हंसते खेलते शूट कर लिया गया। और अब बहुत ज़्यादा बुरी तरह फंसा है क्योंकि काव्या ने सुसाइड अटेम्प्ट किया और उस अटेम्प्ट के बाद उसको और भी ज़्यादा झटका लगा, बिकॉज ऐसा उसने सोचा भी नहीं होगा कभी लाइफ में कि काव्या ऐसा स्टेप ले सकती है। अब काव्या ने भले ही नींद की गोलियां खा ली हो, नींद की गोलियों का असर उसे ना हो उसके लिए अनुपमा ने सारे घरेलू इलाज भी कर लिए, लेकिन काव्या को होश नहीं आया। हमने इसे नमक का पानी पिला दिया है, उल्टी भी हो गई है इसकी, फिर भी होश नहीं आ रहा है गुरुजी। अब गुरुजी आए और गुरुजी ने कहा कि काव्या की पल्स अभी तक चल रही है, पल्स ठीक लग रही लेकिन ट्रीटमेंट की जरूरत है। और फिर वनराज ने उसे उठाया और हीलिंग रूम में ले गया। अब फिलहाल काव्या को कुछ होगा तो नहीं, उसने नींद की गोलियां खाकर परिवार वालों को टेंशन में डाल दिया। ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग एक सीन रहा है हम सब के लिए, पूरे शाह परिवार के लिए, जब काव्या को इस हालत में देखा तब। काव्या ने सबसे कमज़ोरों वाली एक हरकत की है जहाँ पर मतलब जो किसी को ऐसे नहीं करनी चाहिए बेसिकली किसी भी कंडीशन में। तो ये जो सिचुएशन है वो पूरे फैमिली के लिए और काव्या की जो माँ जी मतलब नंदिनी के लिए, दैट्स वेरी शॉकिंग। अब काव्या आपको देखकर तो हम यही कहेंगे कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, आपने एक तो किसी के पति को हथिया लिया और उसके बाद जब पति आपका होने वाला है ये आपको पता है फिर भी आप इनसिक्योर हैं, तो भाई आपके साथ अब क्या किया जाए। अब हम क्या कहें, हम तो केवल आशा कर सकते हैं कि काव्या ठीक हो जाए। कैमरामैन आतिश कामरे के साथ नेहा सावंत की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए हमारी टेलीविजन की बहुएं जो होती हैं वो त्याग की मूरत होती है, ये तो हर कोई जानता है, बट हमारी प्रीशा हैज टेकन इट टू अ डिफरेंट लेवल। मतलब आप तो महान हैं, महान ही नहीं है, महान से ऊपर भी कोई दर्जा होता है तो वो आपको मिल जाना चाहिए। मतलब इतना कूल भी नहीं होना चाहिए ना इंसान को कि आपके पति का प्रीवियस रिलेशनशिप से कोई बच्चा है जिसके बारे में ना उनको इल्म था ना आपको इल्म था, लेकिन यू आर सो कूल अबाउट इट। मतलब क्या कह सकते हैं, निशब्द हूँ मैं, निशब्द। रुद्रा ऐसा कर ही नहीं सकता, वो झूठ नहीं बोलता। मैं भी इतना ही शॉक था, मुझे भी ये बात ऐसी पता चली। प्रिशा की तरह पत्नी तो भाई सबको मिलनी चाहिए। इस सीन को देखकर पति देव तो यही कहेंगे कि भाई वाह, काश ऐसी पत्नी हमें भी मिल जाए। अब प्रिशा को पता चला है कि सनी रुद्राक्ष का बेटा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सनी गर्भवती नहीं हूँ, मैं सनी रुद्राक्ष को लाना हूँ। क्या बोल रहे हैं, बोल रहे ऐसी बातें मत करे, पहले सब बताओ। रुद्राक्ष को लगा था कि जब प्रीशा को पता चलेगा तो प्रीशा गुस्सा हो जाएगी, बाकी पत्नियों की तरह लड़ेगी झगड़ेगी, लेकिन भाई प्रीशा ने तो ऐसा कुछ नहीं किया।
उसे पूरा विश्वास है कि उसका रुद्राक्ष कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, और अगर उसने कभी किया भी होगा ऐसा कोई गुनाह तो वो छुपाएगा भी नहीं, इतना विश्वास है प्रीशा को। हाँ जी बिल्कुल, सनी एक नया कैरेक्टर है जो हमारे शो में आया है और बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी और चीज़ें एसोसिएटेड हैं जो रुद्राक्ष के पास्ट के साथ जुड़ी हुई हैं, और रुद्राक्ष पता करने निकला हुआ है कि क्या होने वाला है और क्या हुआ है एक्चुअली पास्ट में, तो देखते हैं क्या पता चलता है उससे और सनी की क्या स्टोरी है, ये भी जल्दी अनफोल्ड होगी। हाँ ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत शॉकिंग है कि एक लड़का ऐसे रैंडमली आके बोल रहा है कि रुद्राक्ष के पापा हैं, बट प्रीशा रुद्राक्ष पे बहुत विश्वास करती है और उसे पता है कि ऐसा अगर ऐसा कुछ होता या कुछ भी होता तो रुद्र मुझसे झूठ नहीं बोलता, अगर वो बोल रहा है कि उसे नहीं पता है तो नहीं पता। और वहीं दूसरी ओर जब रुद्राक्ष की बात करें तो रुद्राक्ष बार बार गुस्सा हो जाता है, बार बार अपनी नकली मम्मी की बातों में आ जाता है और प्रीशा से खफा हो जाता है। अभी रुद्राक्ष कुछ तो सीख लो अपनी प्रीशा से। वैसे सासू माँ तो हमेशा ही प्रीशा का साथ देती हैं, इस बार भी देंगी, और उन्होंने रुद्राक्ष को भी कह दिया कि खबरदार अब मेरी बेटी प्रीशा को थोड़ी सी भी तकलीफ न पहुँचाना। हाँ भाई मम्मी जी, अब तकलीफ तो पहुँचेगी क्योंकि दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं और दुश्मन ने एड़ी चोटी का बल भी लगा दिया है प्रीशा और रुद्राक्ष को अलग करने का। अब तो भाई इंतज़ार है सनी की मम्मी को देखने का। गोवा से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और डिजिटल एंटरटेनमेंट से जुड़ी इस स्पेशल रिपोर्ट पर आइए डालिए एक नजर। सोनी लिव के जरिए 1992 का स्कैम करने के बाद अब प्रतीक गांधी बन गए हैं गैम्बलर, एक जुआरी। लेकिन इस बार इस जुए की दो बातें हैं, पहला ये आपको गुजराती में देखने को मिलेगा और दूसरा ये गैम्बल प्रतीक के करियर को अच्छे के लिए बढ़ाएगा या फिर कुछ और ही दिशा दे देगा। और आज SBS ओरिजिनल्स रिव्यू में आपको बताएंगे कि कैसी है प्रतीक गांधी की गुजराती सीरीज विट्ठल तीड़ी। तो सबसे पहले अगर आप प्रतीक गांधी की एक्टिंग के दीवाने हैं तो आपके लिए एक राहत की बात है कि इसमें भी प्रतीक ने उतना ही उम्दा काम किया है जितना कि स्कैम 1992 में किया था। विट्ठल तीड़ी आपको देखने को मिलेगी OHO यानी कि ओहो गुजराती पर। इसके पहले सीजन के कुल 6 एपिसोड्स हैं। सीरीज के सभी एपिसोड्स आपको कहीं ना कहीं स्कैम 1992 की याद जरूर दिलवाएंगे, क्योंकि इस कहानी का ग्राफ भी वैसे ही बढ़ता और घटता है जैसा कि स्कैम 1992 में हुआ था। यानी कि एक गरीब घर का लड़का जिसका टैलेंट जुए में बाहर आता है और कैसे वो नंबर वन जुआरी यानी कि गैम्बलर विट्ठल तीड़ी बनता है। विट्ठल की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ जाती है कि उसके दुश्मन पैदा हो जाते हैं, वो उससे डरने लगते हैं और विट्ठल को गिराने की पूरी तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन अंत में क्या विट्ठल तीड़ी जिंदगी के जुए में हार जाता है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि प्रतीक की एक्टिंग आपको थ्रू आउट इस सीरीज से बांधे रखेगी। अगर आपको गुजराती ना भी समझ में आती हो तो भी प्रतीक आपको उनका साथ नहीं छोड़ने देंगे। वैसे इसमें सबटाइटल्स भी हैं। इस सीरीज की जो खराब बात है वो है इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी, क्योंकि जब आप स्कैम 1992 की प्रोडक्शन क्वालिटी देखेंगे और फिर विट्ठल तीड़ी को देखेंगे तब आपको प्रोडक्शन क्वालिटी का फर्क साफ नजर आएगा। लेकिन इस फर्क को इस सीरीज की कहानी, इसके कलाकार और डायरेक्शन के अच्छे काम ने हटा दिया है। अभिषेक जैन जो कि इससे पहले कई सारे गुजराती कॉन्टेंट से जुड़े रहे हैं, उनका डायरेक्शन अच्छा है
लेकिन यहाँ प्रतीक के लिए एक अलार्म है और वो ये कि अब प्रतीक को कुछ वक्त के लिए गैम्बल या स्कैम जैसे कैरेक्टर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो भी टाइपकास्ट हो सकते हैं और ये एक अच्छे कलाकार के लिए बुरी बात हो सकती है। तो जाइए और ओहो गुजराती पर ये कंटेंट जरूर देखिए और अपने ओटीटी की चॉइस के दायरे को बढ़ाइए। SBS ओरिजिनल्स की तरफ से इस सीरीज को 5 में से 3.5 स्टार्स। राज दीक्षित, ABP न्यूज, मुंबई। ABP News, आपको रखे आगे। देखिए, पिछले दिन आपने और हमने सोशल मीडिया पर, टेलीविजन पर एक ऐसी कहानी देखी जो कहीं ना कहीं दिल को कचोट गई। वैसे ऐसी कहानियां लगातार पिछले कई महीनों से हमारे सामने आ रही है, लेकिन राहुल वोहरा, जी हाँ, ये वो यूट्यूबर हैं जिनके लाखों में फैन फॉलोइंग है और कल कोरोना से वो जंग हार गए। जाते जाते उन्होंने कुछ ऐसा बोला जो कहीं ना कहीं दिल को चुभ गया। ऐसे में और भी यूट्यूबर्स अब सामने आ रहे हैं ये सतर्कता फैलाने के लिए, आपको सतर्क करने के लिए कि समय रहते इस बीमारी से कैसे डील करना है ताकि आप और हम मिलकर इस कोरोना के दांत खट्टे कर सकें। पहनो, तुम लोग को दिख रहा है बाहर ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रहा है, वेंटिलेटर का प्रॉब्लम हो रहा है, मेडिसिन्स नहीं अवेलेबल है। ये लोगों के पास बेड्स नहीं है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप अपने आप को बचा सकते हो सिचुएशन से, बस अगर आप मास्क पहनो और हाथ धोते रहो और सारे जो भी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दिए हो फॉलो करो। अपने फैमिली के साथ रहो, उनको मेंटल सपोर्ट दो। इस पूरे टाइम में मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है लोगों की, तो प्लीज मेंटल सपोर्ट भी, ट्राई टू बी एज पॉजिटिव एज पॉसिबल। कुछ नहीं आता इसमें, कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें। अटेंडेंट आई थी, मैंने उसको बोला, इस जरा सा कॉल तो समझ नहीं आ रहा है, वो अगर तुम्हारी बॉटल होती है उस बॉटल को फुल भर के उसके फ्लो को बढ़ा रहे हैं, इसमें पानी आ जा रहा है, वो करके चले जाते हैं, फिर उनको आवाज़ें लगाओ, आते ही नहीं है, एक एक डेढ़ घंटे बाद आते हैं, तब तक मैनेज करो, पानी छिड़को, इसको लगाओ, फिर पानी भर जाएगा, फिर छिड़को, फिर उसको लगाओ। वो चला गया अपने पीछे कई नम आंखों को छोड़कर। अपनी असल जिंदगी के परिवार और दोस्तों को छोड़कर और सोशल मीडिया के परिवार से अब कभी ना मिलने के लिए राहुल वोहरा, ये नाम है उस यूट्यूबर का जिसके मजेदार वीडियोस देखकर कई लोगों ने ठहाके लगाए होंगे। राहुल का बनाया कंटेंट कई लोगों के लिए स्ट्रेस वाले जीवन के बीच कुछ पलों के लिए सुकून की सांस देता होगा, लेकिन किसी को क्या पता था कि कोरोना महामारी और ऑक्सीजन की कमी राहुल की सांसें छीन लेगी। इसकी बहुत कीमत है आज के टाइम पे, बिना इसके मरीज ना छटपटा जाता है, बिना इसके कुछ नहीं आता इसमें, कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें। अटेंडेंट आई थी, मैंने उसको बोला, एक जरा सा कॉल तो समझ नहीं आ रहा है,
वो क्या करते हैं, एक बॉटल होती है, उस बॉटल को फुल भर के उसके फ्लो को बढ़ा रहे हैं, इसमें पानी आ जा रहा है, वो करके चले जाते हैं। फिर उनको आवाज़ें लगाओ, आते ही नहीं है, एक एक डेढ़ घंटे बाद आते हैं, तब तक मैनेज करो, पानी छिड़को, इसको लगाओ, फिर पानी भर जाएगा, फिर छिड़को, फिर उसको लगाओ। YouTube की दुनिया में राहुल की जाने की खबर सुनकर दुख की लहर छा गई है, और इसीलिए आज SBS Originals के माध्यम से आपके चहीते यूट्यूबर्स आपसे दोबारा कह रहे हैं कि अब भी वक्त है, सुधर जाइए। प्लीज घर पे रहो, और बाहर जा रहे हो तो मास्क पहनो, हाथ धोते रहो, क्योंकि आपको पता ही है बाहर सिचुएशन कितनी खराब होते जा रही है। लोगों के पास बेड्स नहीं है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप अपने आप को बचा सकते हो सिचुएशन से, बस अगर आप मास्क पहनो और हाथ धोते रहो और सारे जो भी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दिए हो फॉलो करो। अगर आपको बाहर जाना अलाउड नहीं है तो मत जाओ फालतू में, ऐसे आप खुद को भी सेफ रखोगे और अपनी फैमिली को भी। बस एक दो महीना ऐसा करना है एंड आई थिंक हम बेटर सिचुएशन में आ सकते हैं। बस एक दो महीने कंट्रोल कर लो गाइज, सब कुछ फॉलो करो एंड कीप वेयरिंग योर मास्क। और अगर अब भी आपने मास्क नहीं पहना और कोरोना को हराने के लिए अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी तो बहुत देर हो जाएगी। प्लीज मास्क पहनो, तुम लोग को दिख रहा है बाहर ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रहा है, वेंटिलेटर का प्रॉब्लम हो रहा है, मेडिसिन नहीं अवेलेबल है, बहुत इश्यूज हो रहे हैं, और इस सब चीज़ों में हम लोग बस एक चीज़ कर सकते हैं कि हम लोग मास्क पहन सकते हैं। अपने फैमिली के साथ रहो, उनको मेंटल सपोर्ट दो, इस पूरे टाइम में मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है लोगों की, तो प्लीज़ मेंटल सपोर्ट, बी ट्राई टू बी एज पॉजिटिव एज पॉसिबल, एंड आई थिंक हम लोग इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे बहुत सून। एक दो महीना Please टेक लॉट ऑफ केयर एंड वी आर गोना गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, वी ऑल आर इन दिस टुगेदर, और हम लोग ये कर सकते हैं। सो प्लीज़ जो भी है रूल्स वो फॉलो करो एंड घर से बाहर जाओ ही मत। इनकी बातें सुनने के बाद जरा अपने जाने के पहले राहुल का ट्वीट देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। समझ में नहीं आ रहा है कि उनको पानी की बोतल में पानी कम रखना है, फ्लो बढ़ाना है, और अगर किसी को बोल दो सुनो प्लीज ये कर दो, कहते हैं एक मिनट में आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे, बताओ SBS Originals की इस स्टोरी का यही मकसद है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, हम बहुत स्ट्रांग हैं, हम इम्यून हैं, वो किसी भुलावे में ना रहे, अपनी जिम्मेदारी समझें, मास्क पहने और कोरोना को हराने के लिए वो सारी सुरक्षाएं अपनाएं जो जरूरी है। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे। भैया इमली की कहानी जो है ना टोटली भटक चुकी है। वो क्या है कि सीरियल में जब जिसका मन करता है उठ के चला जाता है, जब जिसका मन करता है लौट कर वापस आ जाता है। इन शॉर्ट देखने वाले का दिमाग का दही हो चुका है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि कहानी को वापस लाना ही पड़ेगा। देखिए बनाने वालों से हाथ जोड़कर निवेदन है, भटकी हुई कहानी को राह पर ले आइए, कहीं ये ना हो कि देखने वाले ही भटक जाए। मुझे ऐसा लगने लगा है कि आदि और मालिनी के बीच जो कुछ भी हो रहा है इमली। देखिए देखिए इमली को, वो पहुंच गई है त्रिपाठी निवास। इमली को यूं घर में देखकर मालिनी सहित सबके सब चौंक गए कि भाई आखिर इमली यहाँ पर दोबारा क्यों आ गई है। घर वालों के लिए अब इमली बदल गई है, ये वही इमली है जिसे देखकर घर वाले खुश हो जाया करते थे, लेकिन आज इमली को देखकर इन सबके चेहरे पर 12 बज गए हैं। अब इमली आई तो उसने भी कह दिया कि यहाँ पर वो छोटे बाबू से मिलने आई है, उनसे कुछ काम है।
लेकिन इमली आप तो मालिनी और आदित्य बाबू की जिंदगी से बहुत दूर जाना चाहती थी ना। वैसे घर में आपको छोटे बाबू से काम है तो कॉलेज में बड़े बाबू आ जाते हैं बार बार आपसे मिलने। खैर अब तो ये सिलसिला चलते रहेगा। आप आदित्य के घर से दूर हो गई हैं तो आदित्य आपसे मिलने के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढेगा। आप दोनों के चक्कर में मालिनी की जिंदगी में भी अब कुछ नहीं बचा। वो और आदित्य दूर हो गए हैं। जी वो माँ, हमने डिस्कस किया था, इस बार पॉसिबल नहीं है, हम नहीं जा पाएंगे। एक्चुअली काम का बहुत प्रेशर है और छुट्टियाँ भी बहुत हो गई है ना, तो कॉलेज में भी अब लीव नहीं मिला। I'm sorry निशांत, इसे रिफंड करवा लेना और आप लोग प्लीज हमें फोर्स मत कीजिए। जब हम दोनों को जाना होगा हम डिसाइड कर लेंगे। और अब न जाने इनकी शादीशुदा जिंदगी आगे कौन सा मोड़ लेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। वेल गेस व्हाट, इट्स एक चुटकी सिंदूर की कीमत ना अब हमारी प्रज्ञा को पता लग जाएगी, क्योंकि उसके पास 3 दिन का वक्त जो है अपनी इस कुमकुम को बचाने के लिए। वो क्या है ना कि तन्नु ने अभी को रिहा करने की और सेफ रखने की एक शर्त रखी है कि या तो भैया अपना कुमकुम मुझे दे दो या फिर अभी से हाथ धो बैठो। कैसी शर्त रख दी प्रज्ञा के सामने तनु ने। अब ये तो हम सब जानते थे कि पहले से ही तनु की नजर अभी पर है। वो प्रज्ञा से उसका कुमकुम छीनना चाहती थी, लेकिन आज उसने खुलकर ये बात प्रज्ञा के सामने रख दी। अभी को बचाने के लिए प्रज्ञा के पास केवल 2 दिन बचे हैं। अब इस 2 दिनों में या तो कोई चमत्कार होगा या फिर प्रज्ञा तनु के सामने घुटने टेक देगी। प्रज्ञा को जहाँ तक हम जानते हैं वो इतनी कमजोर नहीं है, अपना सुहाग तो वो कभी नहीं देगी। लेकिन फिर ऐसा लगता है कि क्या पता टीवी की कहानी है, बहू रानी के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचेगा तो उसे मन मान कर अपने अभी को उसे सौंपना ही पड़ेगा। प्रज्ञा आप क्या करेंगी, क्या चाहती हैं, ये जानने का इंतजार तो हमें रहेगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि तनु की शर्त सबके सामने आप रख देना, ताकि आगे आपको क्या करना है इसके बारे में सब सोचें और आप सब मिलकर तनु का सामना करें। वरना आप अकेले ही कुछ करने का फैसला लेंगी ना तो फिर वही होगा जो नहीं होना चाहिए।
न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सैया दिल में आना रे, आकर फिर ना जाना रे, छम छमा छम छम। वो गाना ऐसा याद आया क्योंकि किसी के दिल से निकल कर किसी और के दिल में कहीं घुस तो नहीं जाएगी हमारी प्रतिज्ञा? नहीं, प्रतिज्ञा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। लेकिन आजकल वैसे ही वो कृष्णा की लाइफ से निकलने के लिए पता नहीं क्या क्या हथकंडे जो हैं अपना रही हैं, और ऐसे लगने लगा है कि अब वो कृष्णा को छोड़कर किसी और पर ही डोरे डाल रही हैं। क्या हिम्मत है प्रतिज्ञा के अंदर, अपने ही ससुराल वालों के सामने और पतिदेव की नजरों के आगे वो किसी और आदमी को अपने हाथों से खाना खिला रही है, और जब उसे खांसी आ रही है तो उसकी पीठ को भी सहला रही है, और हाँ पानी भी पिला रही है। अब ये नज़ारा देखकर यकीन नहीं हो रहा है कि प्रतिज्ञा ऐसा कर सकती है। पूछा था मैंने, सो बेचारे को खाना नहीं आ रहा था, तो आई वाज जस्ट टीचिंग हिम। कृष्णा वाज सुपरवाइजिंग, वो देख रहा था बराबर किया कि नहीं मैंने। डिड आई डू इट राइट और नॉट? भूख किसे लगी थी, खाना किसे मिला, सवाल पूछना चाहिए, जनता जानना चाहती है। अरे क्या किया ऐसा? अरे वो भूख हड़ताल पे हैं, तो मैंने भी अपना एटीट्यूड दिखा दिया, उनको खाना नहीं है, तो फिर मैंने बोला ठीक है मत खाओ। हालांकि प्रतिज्ञा की इस हरकत पर ननंद ने भी ताने मारे, और हाँ जेठ जी के तो क्या कहने, वो तो भाई बरस ही पड़े। सब मिट्टी में मिल गया, बढ़िया बढ़िया, अकल आ गई। और आदर्श यादव देवी, तुम भी कमाल निकले, कितने ही नीच और घटिया इंसान हो, पर एक बात बहुत अच्छी की है, जो हमारा बात मान लिए कि कोमलिया हमारी बहन है तो तुम्हारी बहन है, पर एक बात समझ कुछ नहीं। हमें पूरे हमारी पूरी फैमिली को एक तो शक हो गया है कि प्रतिज्ञा और आदर्श के बीच में कुछ चल रहा है, और वो ऐसी ऐसी छोटी छोटी ऐसी हरकतें कर रही है, ऐसी चीजें कर रही है जिसे हमें वो शक यकीन में बदलते जा रहा है। तो वही इस वक्त हम वही शूट कर रहे हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट्स वेयर वो अम्मा से बदतमीजी करती है, और हमें शक हो जाता है कि उसका और आदर्श का कुछ कनेक्शन है। तो उस चीज़ को लेके कृष्णा और कोमल अब मतलब बौखला गए हैं। कृष्णा भी सोच में पड़ गया कि क्या ये मेरी प्रतिज्ञा है? आदर्श के साथ प्रतिज्ञा के रिश्ते कुछ ठीक नहीं है, जेठ जी तो भाई यही बताने की कोशिश कर रही हैं। अब इन घर वालों के ड्रामे के बीच मीरा भी थी। मीरा भी सोच रही होगी कि हे भगवान ये कैसा परिवार है। पर यहाँ पर जो होता है कि मैं भी खुश जाती हूँ कि वो खिलाने ही जा रही निवाला, लेकिन वो अचानक से आदर्श को खिलाना शुरू कर देती है, वहीं पर थोड़ा शॉकिंग हो जाता है हम सबके लिए। बस एक यही प्लानिंग थी कि दोनों करीब आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब मीरा परिवार जैसा भी हो, आप भी तो इस परिवार का हिस्सा बनने वाली हैं, और आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि कृष्णा और प्रतिज्ञा के बीच दूरियां आ रही हैं। और प्रतिज्ञा ऐसा क्यों कर रही है ये हमें लगता है कि कृष्णा से पहले आपको पता चलेगा क्यों प्रतिज्ञा। फिलहाल सासू माँ ने जो ट्रिक लगाई थी वो ट्रिक काम कर गई है, धीरे धीरे प्रतिज्ञा खुद ही दूर कर रही है कृष्णा को खुद से, और इसमें प्रतिज्ञा का साथ लगता है आदर्श भी दे रहा है। तो भाई देखते जाइए आगे आगे कहानी में और क्या नया ट्विस्ट आता है। कैमरामैन आतिश कांबरे के साथ नेहा सावंत की रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।